bhadana for Amit. Bhaiyo aur ladkiya present in the house. We have Amit Bhadana right on stage. A man in blue today who is going to take over all your hearts. Well, ladies and gentlemen, for the one last time before he starts speaking, I want the entire crowd to come and clap. सब मेरे से कहने लगे भाई तुम्हारा तो स्वैग अलग है। मैंने कहा भाई स्वैग क्या होता है? स्वैग का मतलब क्योंकि हमें तो एक ही पता सी वन से गुजर। पता नहीं तुमने कौन सा स्वैग बोल दिया। तो कह रहे भाई ऐसे नॉर्मल बात बात जब वहां पर जाओ ना थोड़ा सा भाई इंग्लिश विंग्लिश में कर देना। मामला है एवरीबॉडी डांस क्या कहते हैं और एवरीबॉडी का नाम कौन जो भी है आपके दिमाग से पता है। ऐसी बात नहीं है इंग्लिश में आती आती है कमल ये ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर इन्फो टेक्निकल सबसे बड़ी जंग है अंग्रेजी में अपना हाथ है। अब कहानी चलती रही अब सुबह उठा दिया। मैं तो भाई सुबह तो सोचने लगा अपना पहुंच जाएंगे आराम से अपने यहाँ तक का पहनेंगे कुछ एक टी शर्ट पहनेंगे। यार बहुत पूरे मजे सच बता रहा ऐसा लग रहा बिहार यार मुझे लग रहा है एक जो आई है घोड़ी बैठूंगा उस पर और वहां अपना आराम से जाकर फोन कर लूंगा। जब मैं देख पहले मैंने भी जैसे तुम सब बारहवीं बार भी करी मैंने भी बारहवीं करी। बारहवीं के बाद एक और रो होता है ग्रेजुएशन जो हम करते हैं और हमें पता होता है इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। तो ग्रेजुएशन में मैंने भी एडमिशन लिया। अब सब अच्छा ही चल रहा था जैसे चलता रहता भाई नॉर्मल चल रहा है। यार वैसे मैं थोड़ा अटक गया एक बार हो चुका तो होते ना हमारे आसपास लोगों के ना मैं मेरा मानना है कि जैसे यहाँ पे लोग बैठे हैं ना तो कोई इंडिविजुअल कोई भी बैठा है ना उसके अंदर एक कैरेक्टर जरूर छुपा हुआ है अपने आप में वो कैरेक्टर है। कोई एक लड़का है तो जरूर बैठा होगा सच सच बताना जो लड़की को देख के पूरा बदल जाता है। अरे रोटी खाई और जैसी लड़की जा रही है एक्चुअली समवन फॉर वेटिंग नहीं आ रहा ये जरूर होता है ये मेरा भी है वैसे।
मैं भी ऐसे ही मैं और मेरा दोस्त खड़ा था तो मैं उससे बात कर रहा था कुछ ऐसी तो मैं उससे कह रहा था यार ये 10 रुपए दे दे जो पुराने लिए थे हिसाब किताब साथ बराबर करके चला कर लास्ट टाइम छोले कुलचे खाए थे हिसाब काट देता है तो अपना ब्रेड पकौड़े में ऐड करा देता है कुलचे काट देता है मैंने देखा पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड आ रही है तुम्हारे भाई का स्वैग चेंज स्वैग कौन से वाला सी बॉन्ड से गुजर तुम्हारे भाई का स्वैग चेंज तुम्हारा भाई जैसी लड़की थोड़ी सी पास आ रही है तुम्हारा भाई फॉर्म में बिल्कुल बुरा गुड हैपनिंग यार एक्चुअली हैपनिंग सम टाइम और एक तुम्हारे भाई का है वो आगे तुम्हारे भाई फॉर्म में लड़की भी आई और लड़की ने भी आते नहीं कहते क्या हाल है तुम्हारा भाई फिर से चेंज मन की वही हड्डी वही खाल है तो भाई ऐसा एक कैरेक्टर जरूर रहता है एक हमारे चाचा जी के लड़के हैं उनकी एक बहुत अच्छी आदत है मैं सुबह सुबह उठ के मैं पड़ा हुआ अपना सबसे पहले हमें जैसे सब उठते हैं तो दुनिया को पता नहीं क्या रहता है भाई मेरे को तो दूध पीने की रहती है दूध चिल्लाओ पहले तो अपनी मन की इच्छा पूरी कर लो सारे एक और हमारा सिंपल सा हिसाब है हमसे कोई पूछता है हमारे तुम्हें पता है हमारे घरों में भाई शादी के लिए बहुत जल्दी आ जाते हैं बहुत जल्दी अभी मैंने सुनने में आया था कि कोई बोल करता वरुण प्रति भाई की एंगेजमेंट हुई है चलो भाई थाली भाई का दर्द हमें भी कुछ टाइम बाद पता लगेगा भाई के दिल पर बहुत बुरी बीतरी होगी भाई को पता है भाई को जहाँ एक कॉल आती थी 17 आएंगी तो जब आए तो रिश्ते वाले जैसे आते हैं तो रिश्ते वाले सबसे पहले आके यही पूछते हैं भाई लड़का क्या करता है क्या नहीं करता है तो भाई औरों के घर में बताया जाता है कि भाई हमारा लड़का डॉक्टर है इंजीनियर है ये है हमारे घर में बताया जाता है प्रॉपर्टी डीलर है और उसके साथ एक बात और बोल देते हैं 6 प्लॉट काट दिए नोएडा में क्या कह दी फॉर्चुनर मिल रही है बस उसमें बहस तो नहीं आ रहा है हमने परिभाषा बदल दिया है कैसे हाँ सारे यार एक और सो चिल्ला दो हमने परिभाषा ये बदल दिया लोग बाग वही जाते हैं चार घर के 5 सदस्य हुए 5 सदस्य जाते हैं कि भाई आज कहीं जाना है अपना आराम से कहीं जाएंगे कहीं पे वैकेशन बिता जाएंगे वो बड़ी गाड़ी मंगा लो किराए पे कर लो या कर लो हम बड़ी गाड़ी मंगाते हैं और आगे बिठा देते हैं ड्राइवर और पीछे भर देते हैं भैंस का नार और यार तू बहुत बोल रहा है पर मजे दिला रहा है एक बंदा मुझे अपने जैसा चाहिए था सामने और एक बात तुम लोगों में बड़ी अच्छी है जो मुझे सबसे अच्छी लगी पता है क्या सही बताऊं लड़के ही चिल्ला रहे हैं अच्छा सुनो ये बात तो माननी पड़ेगी लड़कियां थोड़ा कम चिल्लाती हैं लड़के कैसे ढीले पड़े यार तुम बुरा जल्दी मानते हो ईगो पे बात सारी लेनी चलती है क्या तो मैं अपने चाचा के लड़के की बात बता रहा था वो सुबह सुबह मैं उठता हूँ मैं देखता हूँ भाई इतना और मैं बैठा है आराम से तो एक ट्रैक्टर खड़ा था गली के बाहर तो मुझे बता दिया अपने चाचा के लड़के पूरा विश्वास था कि पैकर होता है और उस दिन मुझे जब पता लगी जब उसने एक बात कही नू कह रहा ट्रैक्टर वाले से कह रहा कि तू इस ट्रैक्टर है हटा रहा है या मैं इसे एक हाथ से उठाकर पत्ती कर ली तो छम मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आई जो बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से चली वो क्योंकि जिम जिम का बहुत बोलता है जिम कि जिम करना है ना डरे ना जिम करे आ जाइयो जब मन करे ये डरा जिम करा पुराना हो गया
ये ना तेरे भाई ने कर दिया जिम शुरू। अब थोड़ा सा मेरे लिए इतना ही काफी है, ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊँ क्योंकि बोल भी ना पाता हूँ, तुम्हारे सामने पहली बार ही कर रहा हूँ। ना फूफा हमारा सांसद, ना चाचा हमारा विधायक, नायक नहीं तो सफेद है कुर्ता जूता है संतरी, राजा बनाओ तो मंत्री। धूम दौरे दादरी दादरी दौरे चेजा, धूम दौरे दादरी दादरी दौरे चेजा, प्रिंसिपल की लड़की ने करी मुझे बिंदी आ गई। तुम्हारी तरफ ना देख रहा तो बुरा मत मानने को डिसलाइक करने भी क्योंकि मैसेज का रिप्लाई नहीं करा भाई, एटीट्यूड आ गया। कैसे करूं, दो ही तो हाथ है मेरे। और वो चलते 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 जब समा बंधा तो कहने लगी कि अमित चलते हैं कहीं पर कुछ खाते पीते हैं। तो कहने लगी मन की चलो भाई चलते हैं। अब हम पहुंच गए वहां पे खाने को लेके, आपने तो खाने के अलावा तो एक ही बात याद आवे KFC पर्चे के नाम छोड़ दो। पर अब तो पेट में दर्द करता है, मोटे बना रहे। तो चलो चलते होटल में बैठ गए। अब वो आ रहे आके कहता कि भाई वेटर कहता है कि कुछ खाओगे पियोगे क्या। लड़की ने धैर्य दे दी कसम से भाई, तुम्हारे भाई ने तुरंत कहा एक गिलास दूध। पहली बार है वो दोबारा लेगी मुझे खाने को। फिर वहां उसने ये सेम सेंटेंस रिपीट करा, बस सेंटेंस बदल दिए। वही जो मैंने करा ना अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग प्रीटेंडिंग डिफेंडिंग। तो आने जब ऐसे तीन चार ऐसे बोले तुम्हारे भाई ने फिर एक बात मारी, हाफ प्लेट चाउमीन, हाफ प्लेट चाउमीन के साथ कैंपा कोला।
बात बोली, बेटा बोला ले गया कैंपर, छोटा सा बालक बिगड़ा वो सुन रहा बिगड़ेगा, कह रही मेरा भाई देख रहा, मैंने क्यों छोटा सा लाला तेरे भाई का साला। हंसी मजाक से अलग एक थोड़ी सी सीरियस बात भी सुन लो मेरी, मुझे पता तुम मुझे इसी में पसंद करो, एक वीडियो भी बनाई मैंने सेम नोट टू ड्रग्स डिसलाइक मारे तुमने, अभी और कहो भाई कॉमेडी करेगा, मतलब यार ये तुम्हारा क्या स्टाइल है, एक एक आदमी परसों कमेंट कर रहा मेरी एक वीडियो पे भाई ओवर एक्टिंग ज्यादा करेगा, ये कमेंट वाले वैसे बहुत जबरदस्त रहते हैं, एक आदत एक बंदा एक ऐसा जरूर मिलेगा कमेंट सेक्शन में मोदी जी ने डाल दिया अभी देश में आपदा आ गई है अपना ध्यान रखना, तो वहां पे नेहा जैन का कमेंट आया है, नेहा जैन ने कहा मोदी जी आई एम विद यू, नीचे एक अंकुर जरूर होगा नेहा आई एम ऑल्सो विद यू, अलग दुनिया से निकल के आएगा बिल्कुल, देखो अक्षय जी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि अक्षय का पीए और अक्षय बैठा है कि भाई राम कुमार ने कमेंट मारा है, अक्षय जी ये आपको एक सजेशन देना चाहता है, मतलब यार ये अलग ही तरह के, खैर चलो लड़कों की तो आदत होती है बदल नहीं जाते हैं, हाँ अभी इस भाई को देख लो जो कोर्ट में बैठा है फोन में लगा हुआ है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है भाई, एटीट्यूड तो अपने आप आना बनता है, दोनों आपके दो पैर ऐसे रखा के थे जैसे चलो जाने से पहले एक बात करना चाहता हूँ, जब मैंने वीडियोस वगैरह बनानी स्टार्ट कर दी तो मैंने 18 फरवरी को एक वीडियो डाली थी, उससे पहले मैं डबिंग खुल लेता था कभी कभी, वो भी घर वालों से छुटके, तो डबिंग वो बॉर्डर की डबिंग करी थी मैंने, सुबेरी सु देख रहा हूँ वीरपाल तो सुबेरी सो कैसे रे तुम्हें तो सब याद है, ये वही है ना जो 100 रुपए में बुलाए मैंने भाई, बहुत ज्यादा नहीं देख सुना, मेरे को मजा आ गया एलपीओ में, तुम में से कोई ऐसा भी जरूर होगा छोटू तेरे भाई से अच्छी नहीं लेता कोई फोटो, ध्यान रखना टाइम चल रहा है मंदा, मैडम जी प्यार किया है अब सो अंदा, अब जब ये इससे कहानी चली रहे हैं तो भाई अब एक बात मेरी भी सुन लो, बोलने ना दे रहे यार, तो जब मैंने ये वीडियो वगैरह बनानी स्टार्ट करी थी तो पहली वीडियो मैंने 18 फरवरी को डाली थी, फिर भाई ने कर दी जिम शुरू जो थी मेरी वीडियो, तो मेरे घर पे पता लग गई थी कि लड़का, क्योंकि घर वालों को तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि लौंडा प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस खोलेगा 100 बच्चे क्योंकि लड़के के चाल चलन भी बदलने लगे थे, क्योंकि अब लड़का वो वाली पैंट पहनने लगे थे जो फटती है यहाँ से, रगड़ कुछ पैंट कह रहे हैं हमें अलग सी कह रहे हैं, मैंने पहले कह दी शोरूम में यार वो वाली पैंट देना जो यहाँ से फटी रहती है, सॉरी सर इट्स रगड़, ठीक है भाई रगड़ के दे दे मतलब
घर वालों को धीरे धीरे पता लगी, तो सबसे पहले तो पता लगी मेरे चाचा जी को पता लगी। अब हमारे चाचा जी प्योर देश, बुलाने का तरीका अलग, बिल्कुल अलग तरीके से बुलाते हैं। अब मैं अपना लौट रहा आराम से, तुम्हें तो पता सो नींद, देखो नींद सबसे प्यारी है, नींद सबसे प्यारी, नींद के सामने कुछ नहीं चलेगा। तो मैं लौट रहा है, मेरे को बुलाया कि भाई बुला रहे हैं। अब तुम्हें भी पता ऐसे घर के बुलाने हैं ना, तो एक बात याद आवे कि यार किसी को लड़के तो ना है तू। फिर एक और बात याद आवे जो मेरे को आ गई, यार बैग की तो ना पता लग गई ना, मेरे को बुलाया छोड़ दे नहीं। अब मेरे को लगा भाई कुछ कहेंगे, बुलाया बिठाया तो थोड़े स्टाइल में कहते हैं बैठिए, मन की इज्जत, मन की हमें इज्जत, अरे मिन्नू बैठिए। अरे आज तो पहले तो तू कह के जाके नहीं लोगे, अरे अरे चीनी लेगा। तो जब ऐसे चलने लगा तो मेरे को बिठा लिया, बैठिए, मैं बैठ गया। मैं भी बड़े तरीके, मेरे को थोड़ा ऐसा लगा ये मेरे से कहेंगे सेल्फी लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा भाई की तरह एटीट्यूड में बैठा। तो जब मैं उनके सामने बैठ गया तो मेरे से कहने लगे, भाई सुनने में आया कि नया काम शुरू किया है आपने। मैंने कहा हाँ जी किया तो है, वैसे ही बोल रहा हूँ उनके सामने भी बोला। मैंने यार तुम्हारे सामने नंबर बनाने पड़े। तो कहने लगे भाई मेरे सुनने में आया तू शादियों में वीडियो बनाता है। शादियों में कैसी वीडियो, मतलब मैं समझा नहीं, जैसे आदमी रसगुल्ले खा रहा तो उस पर कैमरा लगे पहुंच रहा है। भाई यू कैसे, यू कैसी बात है, अजीब सी बात कर दी थोड़ी सी इन्होंने। मम्मी भी बुला ली, अगर मम्मी बुला ली तो मम्मी हमारी थोड़ी सी भी है, मम्मी से भाई इसको समझा दो गलत है ये चीजें, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा, पढ़ाई में ठीक है, अब कुछ भी ठीक ना है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैंने 12वीं करी, ग्रेजुएशन करी और फिर करी लो, मुझे कह रहे यू पढ़ाई में सबसे बेठा महानाला है, फूफा के चाचा के ताऊ के नाना के मोसा से कंपेयर करेंगे। पढ़ाई में था लड़का, हीरा था, हीरा हीरा खोल दिया हमने। और मम्मी हमारी सीधे मम्मी से कहने लगे देख लो ये ऐसे ऐसे कर रहा। मम्मी कह रही हाँ पता तो मुझे भी लगी, नहीं तुम्हें कैसे पता लगी। वो मैं ना मैं मोनी के घर गई, मोनी हमारे पड़ोस में घर है, तो कह रही अमित भैया पार्क में लड़की छेड़ रहे। मैं मम्मी को देखने लगा। अब थोड़ा सा घर वालों के सामने चलते हैं, मेल जो होते हैं हम उनसे थोड़ा सा डर जाते हैं, फीमेल को तो एक बार वो कर देते हैं। मैंने तुरंत मम्मी की तरफ मम्मी गलत जा, बहुत गलत जा रहे हो, एक छोटा भाई है उसके उससे बड़ा प्यार हमसे कम। तो मम्मी कह रही जब मुझे धीरे धीरे पता लगी ऐसे ऐसे, तो मैं कहने लगा भाई ये गलत काम नहीं है कि ऐसे ऐसे यूट्यूब होती है और ऐसे होता है, आपके अंदर कोई टैलेंट है तो वो दिखाने का। उन्होंने मेरी बड़े प्यार से बात सुनी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मेरा अलविदा कहा वो मेरे को आज तक याद है। फिर मैं आज तक गया नहीं उनके सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अपना दो गेट है दूसरे वाले से चुपचाप गेट खुलवा के निकल गया हूँ अपने कमरे से। तो मैं निकल गया, मेरे से कहते हैं शर्म कर ले आंखों में, आंखों से आके मिला के बात कर रहा है हमारी। मैंने आंखें नीचे कर ली, देख चोर है इसके मन में। मैंने तुरंत जैसे डर बाप चलना जब मिलाएगा। अगर कोई अच्छा बालक होता ना बढ़िया होता दे उसका होता मुकेश का, एक मुकेश अंकल यार हर जगह यहाँ। अगर वो मुकेश का होता तो वो अब तक उठ गया चुप चला जाता, बस जैसे तुम्हारा भाई फोन में रहता है तुरंत फिजिकल मारा मैंने। बैठा था ऐसे बैठा था मैं, तुरंत ऐसे बैठा देखा बाप की सुनना नहीं था। तुम लोगों के लिए तो क्या ही बोलूं, शब्द कम पड़ जाते हैं कभी कभी, सच बता रहा हूं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, तुम पेज लाइक कर दो। तो भाई एक बात है बस यही है, अपना लाइफ में कुछ भी जब आप नया करते हैं तो आपको बहुत लोग होते हैं जो रोकते हैं टोकते हैं, कहते हैं यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, तेरे पे अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आपको रुकना नहीं चाहिए। अब पढ़ाई में कुछ भी कर रहे हो, मैं मेरा मानना है कि हर किसी बंदे के अंदर या वो सिंगिंग एक्टिंग कुछ भी कर सकता है, मेरी तरह ओवर एक्टिंग वो कुछ भी एक टैलेंट कर सकता है, उसको इस चीज़ से निकलना चाहिए।
बाहर आ जाना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि भाई मैं जिस चीज में परफेक्ट हूँ। अब मेरे साथ कहने लगो सिंगिंग, तो भाई मैं तो तुझी दिला जवाब, तो जाते जाते बस यही कहूंगा ऐसी प्यार देते रहो, पर भूषण सुबारी हुई। सौ सौ के तीन नोट पड़े अंदर को, तो 300 रुपए तो पता नहीं इको की फीस ही तो जब से उड़ाई। तो हमारे किसी के साथ ऐसा होता था कि मेरे साथ वो होता था, मैंने नए कपड़े लिया करा ना, तो मेरे घर वाले छुटते क्या करे, कौन सी ट्यूशन की फीस उड़ाई है यार। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, हम घर में रंगे हाथ वोट पकड़े जा रहे हैं। अब मेरे जैसा बंदा तो सबसे ज्यादा पकड़ा जा रहा है, वो क्यों पकड़ा जा रहा है, क्योंकि वो जैसी जा रहा है सीधे मुंह से उछला जा रहा है। उसे धन्यवाद हमारा छोटा वाला भाई है, एकदम से सच बता रहा हूँ, मन की बता रहा हूँ, किसी को मैं स्कूल साइकिल पर आता और वो भी एटलस पे, और धड़ धड़ ट्रायंगल मार के तेरी गल सुबह शाम तक घूमू तो फिल्म दिखाऊ, हर बात में क्या बन जाऊ, तेरी सलाह कह रहे ऐसा कैसा बन जाऊ है, चलो भाई चलता हूँ। अमित सर आपके लिए कुछ है मेरे पास, जोर जोर से चीख चीख के चिल्लाना, वी लव अमित भदाना। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अमित भदाना। ये सारे छोड़ो यार, छोड़िएगा मेरी बात, कान खोल के सुन लो। टेक ऑफ योर फोन, टर्न ऑन द फ्लैश लाइट्स, वी टेक अ सेल्फी विद अमित भदाना। मेरे पास आईफोन 5 है साहब, उसमें चला गया, उसमें डबल मॉर्निंग वीडियो एडिट करने लगेगा, तो उस फोन से मुझे बड़ा लग रहा है, सच बता रहा हूँ है तो इम्पोर्टेंस देख रहे हो, हरियाणा वालों को कितनी इम्पोर्टेंस देता हूँ मैं, इंग्लिश बहुत अच्छी है। मैंने वहाँ फोन ने मेरे इतना साथ दिया, मम्मी ने चक्कर नहीं लगाया, काल मंडी आके कर ले लिया। और जो मेरे पास इतने दिन रहा मम्मी भी है, ये तो बड़ा प्यारा बात है।
ज्यादा इसे ना पढ़ाना। We have 4 students, that's it, we're cutting it down. Thank you so much. Thank you so much. Pink shirt, baby pink shirt. Pink shirt, baby pink shirt. Pink shirt, baby pink shirt. Bye. Thank you so much for coming here. Please do not do this. Excuse me. We request the coordinators to please come on the stage and stop students from taking selfies. Please maintain the decorum. What are people doing over here? Have a good time. Don't come here and take selfies. What are you trying to do? The event is still left. I want the coordinators to please come on the stage right now. They want me to end the show right now. Everyone, take your seats. Every student sit down. I see students standing over here. Please take your seats. Maintain the decorum. You want good events to happen at the university, you maintain the decorum and you stay like good students. One last song they're playing. If you want to dance, dance on your seats. That's it. No one's making the decorum now. Sit down. That's it. Thank you so much, all the students.